ऋषा सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा से अभद्रता करते हुए उन्हें टोल कर्मियों ने आधे घंटे तक रोक रखा। पटना नेशनल हाईवे 572B बिना ब्यावरा के नेवली टोल प्लाजा की है। टटेरी पुलिस सहित प्रशासन के आला अधिकारियों, कलेक्टर, SP सहित राजधानी के आला अधिकारियों को पटना के सिरोंज विधायक शर्मा ने फोन पर जानकारी दी। आपको बताते चलें कि सत्ता पक्ष व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते सिरोंज भाजपा विधायक शर्मा को नेशनल हाईवे 752B नेवली पर बने टोल प्लाजा पर आधे घंटे तक टोल कर्मियों ने निकलने नहीं दिया। विधायक हाथ जोड़कर टोल की रसीद काटने की मिन्नत करते रहे। इस घटना ने शिवराज सिंह चौहान के राज में कानून व्यवस्था की कलई खोलने के साथ भाजपा सरकार में विधायकों की कितनी चलती है इसका भी एहसास करा दिया। इस घटना के बाद टोल प्लाजा पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व पुलिस महकमे ने भी टोल प्लाजे पर पहुंच गए। टोल प्लाजे पर क्षेत्रीय विधायक के साथ हुई घटना ने विधायकों को झंझोर कर रख दिया। घटना से नाराज विधायक उमाकांत शर्मा टोल प्लाजे के डिवाइडर पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई अपराध किया है या मैं किसी नियम के अंतर्गत गलत हूँ तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो टोल प्लाजा के कर्मचारी यह बताएं कि आखिर मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों किया गया। रसीद बनाने के बाद मैंने कहा भैया जिसने रसीद बनाई है उसका नंबर दे दो, आइडेंटिटी कार्ड दिखा दो। ना मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, बोला कि नहीं है, और मोबाइल नंबर जो दिया वो फर्जी दिया। मैं विधिवत आपको दूरभाष पर शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, और इसमें अभी तक ये कोई नहीं मुझे बता रहा है कि इसका अधिकारी कौन है। मैं SP मैडम से बात कर चुका, TI आए, वो कह रहे हैं आप हट जाओ साहब, यहाँ से चले जाओ और हम देखेंगे, आप समझेंगे। और SP मैडम को बोला तो वो भी करेंगे, आप तो चले जाओ यहाँ से। तो भाई मेरा टूल काट लेते, इसके बाद जाने देते। तो विधायक जी बोल रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता भी की गई जी, तो इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? जांच करेंगे इस चीज की, अगर जो अभद्रता की गई तो कार्रवाई करेंगे। टूल टीआई साहब, आपसे खुद विधायक जी कह रहे हैं कि लटेरी पुलिस का रवैया ढुलमुल तरीके का है, इसके बाद भी आप जांच की बात कर रहे हैं, क्या मामले? जब विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई और मुझे रोका गया है, तो फिर किस बात की जांच? जो जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उनका कहना यह है माननीय विधायक जी का कि उन्होंने रसीद भी नहीं काटी और जाने भी नहीं दिया। इस संबंध में अभी SDM महोदय आने वाले हैं, उनसे आ रहे हैं, क्योंकि सुगंध वालों के पास लटेरी का चार्ज मिल गया, वो आ रहा है, इसकी हम जांच करेंगे। अभी हम क्या कार्रवाई करेंगे, अभी जाँच कर लेंगे। नहीं, विधायक जी से अभद्रता और जो कृत्य किया गया उनकी गाड़ी को रोक के उनको रसीद न देना, जो भी NH के नियम है वो प्रावधान के तहत करना। कार्ड भी बताया लेकिन उन्होंने नहीं निकाल पा रहे थे, तो मैंने ये कहा कि भैया मेरी रसीद बना दो, मैं निकल जाऊं, तो वो रसीद भी नहीं बना रहे। फिर बाद में मुश्किल से 5-10 मिनट के बाद कहने लगे प्रिंटर खराब है। मैंने कहा प्रिंटर खराब है दूसरी जगह से बना दो, हाथ से बना दो। अगर मेरी कहीं गलती से गाड़ी का नंबर गलत हो या मेरी कोई गलती हो तो आप तो रसीद बना दो, मुझे जाने दो। फिर मैंने कहा आपके प्रबंधक के बुला लो। एक सज्जन आज चड्डी बनियान में अभद्र तरीके से उनने भी बातें करी और दूसरे लोगों ने भी बातें करी, अब उनको मैं कहना नहीं चाहता। फिर वो बोले कि मैंने कहा साहब आप जी बता दो कि यहाँ क्या नियम है, क्या है, मेरी रसीद काट दो आप, मैं निकल जाऊँ। ताकि नहीं साहब रसीद नहीं काटेंगे, तो फिर मैंने कहा निकलूँगा कैसे, रसीद कटेगी नहीं, निकलने दे नहीं रहे, और मैं तो जब ही निकलूँगा जब नियम का पालन हो जाए। मैंने कहा भैया बैठा हूँ तुम कार्रवाई करो, तो नहीं कहना रसीद नहीं कटाई। फिर मैंने उनके पैर पड़े, हाथ जोड़े, कहा कि साहब रसीद काट दो, मैं शुगर पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ। तो और ना खुद का परिचय दिया, कहना मैंने कहा आप कहाँ से हो, कहना जब। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को भी शिकायत कर दी हम कि साहब इसमें ये आता है कि आपने पैसे जमा नहीं किए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त विधायकों को सुविधा है कि टोल नाके पे फास्ट ट्रैक जो रूल दिया है लग जाए। मैं भी आपको मोबाइल मैसेज बता देता हूं कि बार बार
वहां से मैसेज आता है कि 200 रुपए से रिचार्ज करा लो। एक बार हमने 300 से करा लिया तो वो फ्रीज क्या हुआ, वो कटा गया अपने आप। हमने इसकी शिकायत की माननीय अध्यक्ष महोदय से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी की, लेकिन मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम चले।